एक वो आदमी है जो चौरासी लाख ज्योति बहुत करके आया है, पशु पक्षी ज्योति आया है। गुरुदेव कहते हैं पशु पक्षी कृंदी आदि की ज्योति लेते भर दो बोलबार। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं पशु पक्षी कृंदी आदि ज्योति को बहुत बार गया, एक सत्य बता रहे हैं कि हम उतने सारे ज्योति गए हैं, हम तो साधारण आदमी है, रिच प्राणी, हम लोग कितने ज्योति गए होंगे। तो जो पशु पक्षी की ज्योति आता है तो कहते हैं उसका संस्कार उतना अच्छा नहीं होता है, प्रबल नहीं होता है, बहुत अंकुर उसमें होता है, कोई कोई गुरु उसमें होता है। लेकिन जो देवी देवता का शरीर से आया है वो मध्यम कोटि का है, उसमें बहुत सारा गुण होता है। बोलते हैं ना ये आदमी देवता है, ये माता देवी के समान है, नहीं बोलते है। और कोई ऐसा होता है भटका हुआ योगी, योगी कुल से आया है, जैसे हमारे गुरु महाराज वासुदेव परमेश जी महाराज योगी कुल से आए थे। भगवान बुद्ध ने लिखा है मुझे परमात्मा से प्राप्त करने में 540 वर्ष लगा है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। और गुरु महाराज के बातें तो साफ जताती, माता जी रोज सुलझाती थी, रोज उलझ जाता था। महात्मा से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो कहा कि महर्षि देवी परमेश जी महाराज 7 जन्म की योगी है, जो काम भगवान बुद्ध ने 550 जन्म में किया वो काम हमारे महर्षि देवी परमेश जी महाराज जी हमारे गुरुदेव ने 7 जन्म में पूरा कर दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो जन्म जन्म मुझे जतन कराही अंत राम मुख आवत है, ध्यान की बड़ी महिमा है, ध्यान पर तो गए थे हमारे गुरु महाराज ने कहा हम 12 माह का विश्व गए थे, बाघ भूखा बाघ काल के गुर पड़ो हो बाबरे, ऐसे अवसर कोई हो तो रोई हो पछताए, अतः काल के मुख से निकलिए। हम लोग काल के मुख में पड़े हुए हैं तो काल के मुख से कैसे निकलेंगे, ध्यान के बल से निकल जाएंगे। परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुझे से पूछते हैं, भागवत महापुराण में कथा है, पूछते हैं कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्या देखते हैं, एक मेढक है, अब मेढक को सांप निकल गया है पीछे से, मेढक को सांप पीछे से निकलता है, आरा निकल गया है, अब मेढक के मुख के सामने एक पतिकला आता है, तो मेढक उस पतिकला को खाना चाहता है। देखिए मेढक खुद काल के मुंह में है, काल सांप के मुंह में निकल गया है, लेकिन उसके सामने मेढक के सामने एक पतिंगा आता है तो पतिंगा को खाना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा क्या है आश्चर्य है। भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया, राजपाट दुनियादारी सब छोड़ करके निकल गए, भगवान महावीर को वैराग्य हुआ, बाबा गोरखनाथ जी महाराज के संबंध में कष्ट रहा था, युवा हो रहा था उसी का तो भागा हो, पंडित जी बोले हम तुमको बांध रहे हैं, उन्होंने कहा हमको बांधोगे, भागा नदी में कूद गए, अब तो परमात्मा का नाम कूद दिया है, वो बने ना कभी वो कभी नहीं बन सकता है जो परमात्मा के नाम पर कूद जाएगा। रक्षा हो गई, बड़ी तपस्या किया गोरखनाथ जी महाराज ने, सत्यकवि साहब के जीवन में देखिए, सत्यकवि साहब ग्रस्त जीवन में रहकर कभी देखिए, कवि साहब के समय की बात है कि एक बादशाह था, उसका बेटा मर गया था, बेटा मर गया था, लोगों ने कहा कि साहब बड़े तपस्वी बात बताए जारी है जारी है, उनके पास जाओ तो जिंदा कर दे। बादशाह पहुंचा कबीर साहब के पास, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब
से कहा कि महाराज ये हमारा बेटा है मर गया है तो जिंदा कर दो आपको सकता है। तो कमल साहब आंसू बंद कर लेते हैं और कहते हैं वो बालक ईश्वर के हुक्म से उठ जा तो बच्चा जिंदा नहीं हुआ। फिर बोला वो बच्चा ईश्वर के हुक्म से उठ जा तो बच्चा नहीं उठा। तो कमल साहब कहते वो बच्चा हमारे हुक्म से उठ जा तो बच्चा उठ करके बैठ गया। देखिए सब तो बात हुआ हमारे खुद पास आए स्वामी जी महाराज कहते थे देखो जी बंदूक में गोली रखकर के फायर करते घोड़ा को दबाते गोली निकलती है और आदमी मर जाता है लेकिन गोली को बंदूक के नाल में तेजी रखकर कैसे फेंक करके मारेंगे तो आदमी मरेगा नहीं बनेगा। संत महात्मा जो बोलते हैं वो करते हैं। संत महात्मा जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव होता है। हम भी वही बात बोलेंगे लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनुष्य कम वचन से कम कर्मदस्य कम महात्मा मनुष्य कर्म संध्य वचन प्रात्मना महात्माओं के मन कर्म वचन एक होते हैं और जो दुरात्मा होते हैं कहेगा कुछ सोचेगा कुछ करेगा कुछ तो उसका असर क्यों नहीं होता है। भगवान बुद्ध के पास एक बुढ़िया भाई आई उसका पोता को खांसी हो गया था बहुत पुराना खांसी का ठीक नहीं होता था। महात्मा बुद्ध के पास आया और बाबा देखिए तो हमारे पोता को खांसी हो गया है कुछ दबा दे दीजिए ठीक हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि 3 दिन के बाद आएगा 3 दिन के बाद फिर बुढ़िया भाई आई भगवान बुद्ध खुद कहते हैं 5 दिन के बाद आएगा 5 दिन के बाद फिर बुढ़िया भाई आई फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कल आएगा कल होकर के फिर बुढ़िया भाई आई तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो बच्चा अब से तुम मिठाई मत खाना तुम्हारा खा के ठीक हो जाएगा। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा है बोले यही बात कहता था तो पहले 3 दिन जो बुलाया फिर 5 दिन जो बुलाया फिर 1 दिन जो बुलाया ये बात उस दिन भी याद कर सकते थे आपको हैरान क्यों करवाया। भगवान बुद्ध ने कहा बा उस दिन मैं खुद मिठाई खाता था अगर इसको कहता कि मिठाई छोड़ दो तो नहीं छोड़ता मैं धीरे धीरे करके मिठाई खाना छोड़ दिया उसके बाद इसको कहा अब मिठाई नहीं खाएगा अब उसका खांसी ठीक हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग दित और ध्यान दित रहिए कृत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए 5 पाप बताया व्यभिचार नहीं करो। हमारा देश बड़ा धार्मिक देश है ऋषि मुनियों का देश है ना नेपाल देश और गुरु महाराज जी से कहते हैं और अपने देश में ऐसा नियम है वैवाहिक संबंध है 16 संस्कार हमारे वेद में लिखा है संस्कार कितने हैं 16 उसमें विवाह संस्कार भी है ये धार्मिक संस्कार है विवाह होता है और विवाह में पति भक्ति का रिश्ता जोड़ता है एक साथ जीवन में रहते हैं लेकिन अपनी पत्नी के सिवा अगर हम किसी से संबंध बना लेते हैं तो उनमें विचार का रहता है ऐसा आदमी गर्म का भी होता है तो विचार से अपने आप को बचाना चाहिए चोरी नहीं करना चाहिए दूसरे का सामान नहीं चुराना चाहिए मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए ये 5 पाप है इसको छोड़ करके हम यही कर्म करेंगे
स्वामी राम को पृथ्वी महाराज जापान गए थे। स्वामी राम को पृथ्वी महाराज देखते हुए बड़े सुंदर थे, भजन ध्यान करते वाले आदमी सुंदर हो जाता है। स्वाभाविक बात है, जो प्रकाश का स्वामी की साधना करता है वो प्रकाश के समाधि चमकीला हो जाता है। उसमें हर्षद जी की कोई बात नहीं। रामचंद्र का भी शरीर बड़ा सुंदर था, बड़े भजन आनंदी थे, बड़े त्यागी बैरागी थे। रामचंद्र बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए थे तो उसकी कलाई में तो ओकेगढ़ घड़ी बांध दिया। ओकेगढ़ घड़ी बड़ा कीमती घड़ी है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने रामचंद्र के हाथ में बांध दिया था। लेकिन रामचंद्र पहुंचते नहीं थे, लेकिन कुछ देर के पहले ये पहन लिए और उन्होंने भी किसी को दान कर दिया था। ऐसे त्यागी वैरागी महात्मा थे स्वामी रामचंद्र जी महाराज। उनके बारे में कुछ कह रहा था श्री सदगुरु महाराज की स्वामी रामचंद्र जी कुछ ग्रहण नहीं करते थे, कुछ लेते नहीं थे, बस भोजन लेते थे। वो एक जगह गए किसी सेठ के हाथ पर ले गया, उन्होंने कुछ दिया धातु सोना दिया कुछ। रामचंद्र जी ने ले लिया, बोला इसकी जरूरत लग रही है। उसका शिष्य ले लिया अंगूठी हार क्या क्या दिया ले लिया। रामचंद्र जी महाराज का सदियों था, नदी पहाड़ में जाकर आते थे, मेरा भी थे, नदी में स्नान किया, पहाड़ पर बैठकर ध्यान करते रहे और संकल्प करते थे भोजन आ जाता था। लेकिन उस दिन भोजन नहीं आया, स्वामी रामचंद्र को भूख लगी थी। तो अपने शिष्य से कहा कि भाई क्या बात है, आज हमसे क्या गलती हो गई, परमात्मा ना खुश है, आज हमें भूख लगी हुई है, मैं इच्छा कर रहा हूं भोजन नहीं आ रहा है, कुछ करने के लिए नहीं आ रहा है, क्या बात है, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, लगता है हमारा शिष्य से गलती तो नहीं हो गई। तब जाने पुरुष से कहते हैं अपने शिष्य से, भाई तुम कुछ लिया है, बोलता क्यों नहीं, कुछ लिया है, बोलता हाँ लिया है, बोला क्या लिया है, तो अपना घाट खोला, उसमें सोना की अंगूठी हार और बहुत सारे सोने का धातु था उसमें। बोले इसको भी गंगा जी को फेंक दे, गंगा जी ने तुरंत फेंका, उसी टाइम में दूसरे खा गया। अस्वामी जी भोजन करने के लिए चलिए, जब बुढ़िया का आशा रहेगा, जब संसार के पदार्थों की आशा रहेगी तो परमात्मा की आशा नहीं रहेगी। परमात्मा की आशा हो, दुनिया में हमारे लोगों की आशा नहीं हो। हमारे गुरु महाराज जी वैरागी थे, नहीं लेते थे कुछ, बहुत दिन तक कुछ नहीं लिए तो फिर ज्यादा लगने लगी। लोग समझने लगा बहुत त्यागी बहुत वैरागी है, भजन को दिक्कत होने लगी तो लेने लगे, ताकि आपको कोई बड़ा महात्मा नहीं समझे, ले लेते थे और अच्छे कपड़े लगा देते थे। त्याग का भी त्याग क्या होता है, त्याग का भी त्याग हो, त्याग का भी त्याग हो, त्याग का भी अहंकार नहीं हो। क्यों त्यागी है, अब ज्ञानी है, ज्ञान का अहंकार नहीं हो, अब ध्यानी है, इसका भी अहंकार नहीं हो। सब तरह से गुरु महाराज ने कहा पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, पाखंड और अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर पाखंड और अहंकार है, देखिए कालिया नाम का एक डाक्टर को था, वो जमुना जी वो कालिया दर में रहता था, जमुना जी का नदी जो है ना कई धारा में हो जाती है ना, तो उसमें प्रवेश कर दिया था कालिया। बड़ा पिछेला शाम था, सैकड़ों भक्त थे उसके कालिया, अब वो
पानी पर जहर बन गया था, वो गाय पीती थी तो मर जाता था, वाल वाला गोभी पीती थी तो मर जाते थे, रोज चार पांच आदमी मर जाते थे, पक्षी मर जाता था, जंगली जानवर मर जाता था। भगवान कृष्ण को दया आई, नहीं नहीं कालिया को हम बांधेंगे, कालिया को डांटूंगा मैं, ऐसे बताऊंगा। भगवान कृष्ण बाल बालक के साथ चले गए यमुना जी किनारे गिर निकलने के लिए। बलराम भैया को नहीं लिया क्योंकि बलराम जो है ना शेष के अवतार है, अब बलराम जी साथ में जाते तो बलराम जी डांटने देते उसको, और बड़ा भाई है बड़ा भी कैसे करते, भगवान कृष्ण बलराम का आदर करते, इसलिए बलराम भैया को नहीं ले गए, अपने बनु सरकार दादो आदि को लेकर के नदी के किनारे गिर करने चले गए। अब भगवान को गेर फेंक रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने इतना जोर से गेर फेंका कि कालिया तो बीच में चला गया, अब बनु सरकार रोने लगा, बोला मुख को गिर दे दे, मुख को वही गिर चाहिए। बाल बालों ने कहा रे बालू नहीं है ये कालिया है, इसमें कालिया रहता है, कभी अगर उसमें जाएगा तो सांप काट लेगा बढ़ जाएगा, ये बाप का अकेला बेटा बाबा रामला नहीं नहीं बनु सका ऐसा बनकर बनु सका नहीं बाबा, और हमको वही गिर चाहिए। और जे जो पुत्र को वही दुखारी फिर वो विलोकन पातक बारी, जो अपने पुत्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता उसको देखने में पाप लगता है। तो जो बनु सका रोने लगा तो कृष्ण को दया आ गई, बोले ठीक है मैं तुमको युद्ध ला देता हूं। भगवान कृष्ण कर्म के फल पे चढ़ गए और सिंह की भांति कूद गए, आगे दर्द कूद गए भगवान और मोटा मार करके सीधे पहुंच गए वहां कालिया के पास। कालिया की पत्नी वहां खड़ी थी, भगवान का छोटा रूप है, भगवान 6 साल के हैं। वहां जब भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं तो कालिया की पत्नी देखती है बड़ा सुंदर बच्चा है, अरे बेटा तू कौन है, तू बड़ा सुंदर है, तू यहां पर रुक क्यों आया, कोई धक्का देकर के तुम्हें तो नहीं गिरा दिया अथवा तुम्हारा पैर तो नहीं फंसल गया, बेटा तू यहां कैसे आया बताओ। कृष्ण कहते न तो मुझे कोई धक्का दिया, न तो मेरा पैर फुसला, न तो किसी और कारण से गिरा, बल्कि हमारा गिर यहां आ गया, हमारा गिर तुम्हारा जो पति सोया हुआ है ना उसी की कुंडली में गिरा हुआ है, कुंडली होता है ना सात कुंडली बांध के बैठता है, मैं गिर ले गया। तो कहा गिर तो तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा, अब हमारा पति सोया हुआ है बड़ा खूबकार है, अगर वो जान जाएगा तो तुम्हें दुख नहीं पड़ेगा और हमें भी भला पूरा करेगा क्योंकि हम सोया हुआ है, वो सुन बेटा मैं गिर दे दो तुम तू बैठ जा। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं गिर हमें नहीं चाहिए, हमारा जिक्र रो रहा है, अभी तो आदित्य नहीं मिलेगा, बोला अभी चाहिए मेरे। भगवान कृष्ण 1 लाख बांटते हैं कालिया को और कालिया जब जाता है अपना फल को ऊपर उठाता है, अब युद्ध शुरू हो जाता है, भगवान को बहुत दशा, शरीर से खून निकलने लगा भगवान, बहुत दुहार हो गए भगवान। अब युद्ध जब चालू हो गया दोनों में, जब भगवान को बहुत दस लिया तो भगवान योगी थे, भगवान ने प्राणायाम किया, प्राणायाम करके अपना शरीर को फुला लिया, शरीर को विशाल बना लिया भगवान। अब कालिया का शरीर दस दस टूटने लगा, भगवान ने शरीर को फैला दिया, अब उसका दस दस टूटने लगा, अब भगवान का किए शरीर को फैला करके फिर शिशु बन गए भगवान और उसके कदम से निकल गए और फल पर चढ़ गए, फल पर चढ़ करके भगवान
बासुरी बजाने लगे, युद्ध करने लगे। अब भगवान बासुरी बजा दे और गांव तो बासुरी के बहुत दुख ग्रस्त है, वो नाचना शुरू किया। अब भगवान नाचना शुरू किया, अब जितना भी फल एक बार एक फल निकालता था तो भगवान कुचल देते थे, फिर दूसरा फल निकालता था फिर भगवान कुचल देते थे। इस तरह से काली गरुड़ उभार हो गया, थक गया कालिया, कालिया की पत्नी मृत्यु करने लगी, एक प्रभु हमारा पति मर जाएगा, इसको प्राण दान दीजिए आप। भगवान कृष्ण ने कहा एक ही शब्द पर मैं छोड़ूंगा। बोला क्या शब्द है? बोला देखो ये वृंदावन है। ये क्या है? वृंदावन है। अब वृंदावन भक्ति की नगरी है, अब भक्ति की नगरी में पाप कटे रह सकता? वृंदावन भक्ति की नगरी है और इस भक्ति की नगरी में कालिया पाखंड है। क्या कहा? कालिया पाखंड है, इसलिए तुम चले जाओ यहां से, क्योंकि बहुत सारे ग्वाल वाले मर जाते हैं, गोपियां मर जाती है, पक्षी मर जाते हैं, जानवर मर जाता है जो पानी पीता है। आ जाओ भगवत, कालिया ने कहा सब जीव आपके शरण में है, यहां तक कि गाज कुछ भी आपके शरण में है, ये कुछ वो गए वहां आप वृंदावन गए होंगे कोई मुझे बोल रहे सब जो गाज वृक्ष है सब चढ़ा है, एक भी गाज वृक्ष सीधा नहीं आप बन जाएंगे तो देखेंगे। मैं कई बार गया गाज वृक्ष भी आपके शरण में है, मोर भी आपके शरण में है, सांप बिच्छू भी आपके शरण में है, तू क्यों बना रहे? तू बिछेला है, और उसकी क्षति नहीं है, तुमसे बड़ी क्षति है, इसलिए तुम रमन द्वीप चले जाओ। भगवान रमन द्वीप में तो आपका बाहन जरूर रहता है, वो हमारा शत्रु है, वो आपको खा जाएगा। भगवान कृष्ण कहते देखो गरुड़ तुमको पहले खा जाता लेकिन अब नहीं खाएगा। बोला कैसे? बोला तुम्हारा मस्तक पर मैं नाचा हूं और हमारा चरण का चिन्ह पड़ा हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर हमारा रज पड़ा हुआ है, हमारा गरुड़ जब देखेगा ना तो तुमसे दोस्ती कर लेगा, तुमको कभी नहीं खाएगा, तो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, मेरा आशीर्वाद है जाओ। और वो चला गया रमन जी। मानव का शरीर हमें मिला हुआ है, अभी ध्यान की बात सुन रहे थे, काल के मुख से कैसे निकले गया? काल के मुख से कैसे निकले? हम आंख बंद करते हैं क्या देखते हैं? अंधेरा, यही काल जाता है। आंख बंद करते हैं क्या देखते हैं? अजरंगे दिखते हैं, यही काली अदा है। और फल क्या है? काली के सैकड़ों फल है, ये खंडकार है, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा, ये सब फल है। कभी काम रख लेता है, कभी क्रोध रख लेता, कभी मोह रख लेता है, कभी और भी काम रख लेता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये संसार नाम रूप आत्मक है, इस संसार में नाम है और रूप है, परमात्मा के अनेक नाम है, दादू सृजन हार के इतने नाम अनंत, जो सिखावे सुन लीजिए जो सुधरे साधु संत, परमात्मा के अनेक नाम है, जो आपके सदगुरु बता दे वही नाम जपना चाहिए। बहुत सारे से सजी क्या करते हैं दीक्षा के लिए, गुरु महाराज ने तो कुछ बताए, ध्यान करने के लिए कुछ बताए और कुछ करने लगते है। एक सत्संगी था, गुरु महाराज ने दीक्षा लिया, 50 वर्ष हो गए, एक बार गुरु महाराज गए उस इलाके में, तो व्यक्ति ने गुरु महाराज को प्रणाम किया,
प्रार्थना किया, गुरुदेव आज से 50 वर्ष पहले आपसे दीक्षा लिया था, ध्यान भजन भी करता हो लेकिन अभी तक जप भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं होता है गुरुदेव। गुरु महाराज आप बंद कर लिए, आप बंद करके गुरु महाराज सब पहचान गए और कहते हैं तो ध्यान करता है, सही सही बताता है। बोले हाँ गुरु महाराज करते हैं, कहां पर करता है तुम दिखाएंगे मुझे? बोले हाँ दिखा दूंगा। गुरु महाराज को दे गया, जब गुरु महाराज आपको अपना घर में ले गया, जिस कपड़े में ध्यान करता था वहां ले गया, गुरु महाराज क्या देखा, पूरा देवी देवता से सजा दिया है घर को, यहीं पर बैठ करके ध्यान करता हो, किसका ध्यान करता है कोई, तो इन्हीं सब का ध्यान करता है। गुरु महाराज कहते यही बताया तुमने, तू कहता जब नहीं बढ़ता है ध्यान जो करता है, तुमको गुरु में विश्वास है? गुरु में विश्वास है, अगर पूरी मरीजों के साथ हम जो संकल्प लेकर के जब करेंगे ध्यान करेंगे तो अवश्य बनेगा। एक गुरु भक्त था, वो अपने गुरु के पास गया और कहा गुरुदेव हम बहुत दुखी रहते हैं, आप हमको ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में शांति मिले, हमारा दुख दूर हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। शिष्य बोलता है हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, हम तो आपको जानते हैं। देखो शिष्य क्या बोले, हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, हम तो आपको जानते हैं। ये समर्पण महर्षि संसदी जी महाराज का कमर टेढ़ा हो गया था, कमर में बहुत दर्द रहती थी, ठीक नहीं होता था, दिल्ली में भर्ती हुई, बहुत बड़ा डॉक्टर आया देखने के लिए, कहां दर्द होता है तो बताए कमर में होता है, यहां पर होता है, बीच कमर में होता है, ऐसा क्यों होता है? दवा तो इंजेक्शन दिया आपको, बहुत सारा टेबलेट दिया, कैप्सूल दिया, बहुत पावर का, ठीक हो जाना चाहिए। वो डॉक्टर बोलता है हमको लगता है कि आपको